बिग बॉस 18 का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए सामने आई बहुत बड़ी खुशखबरी। शो में कंफर्म हुई इन 14 कंटेस्टेंट की एंट्री। मीडिया मजवाले बिग बॉस में भाग लेने वाले इन 14 सितारों की पूरी कुंडली, कैसे मिला नाम और शोहरत, एक से बढ़कर एक है सबकी फैन फॉलोइंग। शिल्पा से लेकर मुस्कान बाबली तक शो में ये 14 सितारे काटेंगे बवाल। बिग बॉस का चढ़ेगा पारा, दर्शकों का भी होगा जबरदस्त मनोरंजन। फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। टीवी का सबसे रोमांचक और विवाहित रियलिटी शो बिग बॉस अपने सीजन 18 के साथ लौट रहा है। इस शो में एक बार फिर होस्ट सलमान खान मस्ती मजाक करते और कंटेस्टेंट को झाड़ लगाते नजर आने वाले हैं। लंबे वक्त से शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट के नाम, एक न्यूज वेबसाइट के अकॉर्डिंग बिग बॉस 18 के कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट आ गई है। हम आपको बता रहे हैं कि शो के नए सीजन में आखिर कौन से सितारे आपका मनोरंजन करने आएंगे। बिग बॉस के बीते दो सीजन में मेकर्स ने इन्फ्लुएंसर को मौका दिया था, लेकिन बिग बॉस 18 के साथ मेकर्स अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। इस बार शो में टीवी के जाने माने एक्टर्स के साथ साथ सुर्खियों में रहने वाले सितारों को बुलाया गया है। इनके अलावा बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आ चुके सितारे भी बिग बॉस के घर में लॉक होने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो सितारे जो बिग बॉस 18 के घर में होंगे बंद। शिल्पा शिरोडकर 19 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस शिल्पा भी बिग बॉस 18 में एंट्री कर रही हैं। शिल्पा बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस नम्रता की छोटी बहन है और वो तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की साली है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भ्रष्टाचार से 1989 में की थी। नयना बनर्जी फेमस टीवी शो दिव्य दृष्टि और पिचासनी में नजर आ चुकी नयना बनर्जी भी बिग बॉस 18 में नजर आएंगी। उन्हें खतरों के खिलाड़ी 13 में देखा गया था। नयना का असली नाम मधुरिमा है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी। मुस्कान बाबली टीवी के सबसे पॉपुलर शो में भी एक अनुपमा में पाखी का रोल निभाने वाली मुस्कान बाबली भी बिग बॉस 18 में नजर आने वाली है। मध्य प्रदेश से आई मुस्कान को पिछली बार फिल्म हसीना में देखा गया था। चाहत मणि पांडे हमारी बहू सिल्क नॉर्थ जेवर या जंजीर जैसे शो में नजर आ चुकी चाहत मणि पांडे घर घर में फेमस है। मध्य प्रदेश के छोटे से टाउन दमोह से आई चाहत ने 2023 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने अपने होम टाउन दमोह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा जिसमें उनकी हार हुई। इसके बाद वो एक्टिंग में वापस आ गई। अब वो बिग बॉस 18 में धमाल मचाने के लिए तैयार है। श्रुतिका अर्जुन राज साउथ फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस श्रुतिका अर्जुन राज भी बिग बॉस 18 में कहर ढाती नजर आएंगी। अविनाश मिश्रा बिना हैंडसम एक्टर के बिग बॉस के सीजन पूरे नहीं होते। हर सीजन में किसी न किसी डैशिंग एक्टर को लिया जाता है। इस बार वो अविनाश मिश्रा है। छत्तीसगढ़ से आए अविनाश टीवी के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है और इश्क बाज संग अंत में नजर आ चुके हैं। अपने को स्टार के साथ उनके अफेयर के चर्चे बहुत रहे हैं। देखना होगा कि बिग बॉस के घर में किसी फीमेल कंटेस्टेंट के दिल को चुराते हैं या नहीं। चुम दरंग अगला नाम है। चुम दरंग बिग बॉस के घर में पहली बार अरुणाचल प्रदेश से आई एक्ट्रेस चुम दरंग हिस्सा ले रही हैं। बधाई हो। और गंगूबाई काठियावाड़ी में काम कर चुकी शो में चुम शो में एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार है। चुम दरंग ने कई ब्यूटी पेजेंट भी जीते हैं। शहजादा धामी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से निकाले जाने को लेकर सुर्खियों में रहे शहजादा धामी भी बिग बॉस 18 में एंट्री करने वाले हैं। सारा खान और अरफीन खान नील भट्ट ऐश्वर्य के बाद अब इस साल एक और पति पत्नी की जोड़ी बिग बॉस के घर में एंट्री लेने को तैयार है। बिग बॉस 18 में सारा अरफीन खान और उनके पति अरफीन खान हिस्सा ले रहे हैं। सारा एक्ट्रेस और बिजनेस वुमेन है तो वहीं उनके पति अरफीन खान लाइफ कोच है। सारा को कई शोज और फिल्मों में देखा जा चुका है। अरफीन ऋतिक रोशन जैसे सितारों की लाइफ कोच है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। एलिश कौशिक टीवी सीरियल पांडे स्टोर में रावी का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस बिग बॉस 18 में हिस्सा ले रही हैं। करणवीर मेहरा रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 को जीतने के बाद बिग बॉस 18 में करणवीर मेहरा अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। हेमा शर्मा बिग बॉस 18 में तड़का लगाने के लिए एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर हेमा शर्मा भी आ रही हैं। उन्हें इंटरनेट पर वायरल भाभी के नाम से जाना जाता है। अब देखना ये होगा कि बिग बॉस के घर में वो क्या करती है। इस लिस्ट में अभी और नाम जुड़ सकते हैं। वैसे किस किस का फेवरेट है बिग बॉस हमें कमेंट करके जरूर बताएं।